अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देसी मोहम्मद में क्या सबको सलाम। आ गई है जबरदस्ती डिफरेंट सी रेसिपी चिकन एनचिलाडास की। ये बेसिकली मैक्सिकन डिश होती है जो कि कॉर्न टॉर्टिलाज में बनाई जाती है। चाहे आप मीट से बनाएं चाहे आप चिकन से बनाएं, ये आपकी चॉइस होती है और ये बहुत ही चीज़ी और मज़ेदार सी होती है। तो ये वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और तारीफ़ें जो हैं वो लूट लेनी है सबकी। तो जनाब, रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए टोमेटोज़ ले लिए हैं रॉ फॉर्म में, जिनको स्टीम कर लेना है और उनको इतनी देर तक के लिए स्टीम करना है कि उनको बिल्कुल ब्लैक टोन में नहीं करना है। मतलब इतना करना है कि उसका जो पील ऑफ उसको हम ईज़िली कर सकें। इतनी स्टीम टोमेटोज़ को देनी है कि उसका पील जो है वो खुद ही बाहर आ जाए। पील को बाहर कर पील ऑफ करने के बाद टमाटर्स को हमने अच्छी तरह से क्लीन आउट कर लेना है और उसके बाद छोटे छोटे हमने इसके पीसेस कर लेने हैं। जिस फ्राई पैन में आप बना रहे हैं, जिसमें आपने स्टीम करनी है, उसी सेम डिश में। तो सेम पैन में हमने, आप देख सकते हैं कि टोमेटोज़ को उसी में मैं कट कर रही हूँ ताकि जो उसका जूस होता है, जो अरोमा होता है, वो सब उसी में रहे। अगर हम इसको सेपरेटली करेंगे तो मे बी कोई अरोमा हो, कोई चीज़ हो, तो वो मिस आउट ना हो। ऑयल शामिल कर देंगे हस्ब ज़रूरत, और हस्ब ज़रूरत इसलिए शामिल करना है कि इसमें बहुत रनी नहीं करना हमने इसको। और उसके बाद हम ये सॉस जब बनाएंगे तो सॉस में शामिल करेंगे अनियन, कुछ गार्लिक चॉप्ड, आपकी चॉइस है, आप पीस के भी डाल सकते हैं। और फिर हम उसको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप, हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे क्योंकि सॉस बनाने के लिए स्पाइसेस लाजमी हैं, जिसमें मैं शामिल करूंगी ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर मैंने लिया है 2 टीस्पून और उसके बाद मैं शामिल कर रही हूँ सॉल्ट हस्ब ज़रूरत। नेक्स्ट स्पाइस पेपरिका पाउडर मैं इसमें शामिल करूंगी 2 टीस्पून के करीब, और आप चाहें तो इसमें लाल मिर्चों का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऑरिगेनो इसमें शामिल कर देंगे और वाइट विनेगर शामिल कर देंगे। सारी चीज़ों की क्वांटिटी, सारे मसालों की क्वांटिटीज़ मैंने मेंशन कर दी हैं। बिल्कुल एक्यूरेटली अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट आपका सॉस बन जाएगा। साथ ही साथ इसमें शुगर 1 टीस्पून के हिसाब से मैं शामिल करूंगी क्योंकि हमें सॉस जो है वो उसको बहुत स्पाइसी नहीं करना, माइल्ड सा टच देना है, जो कि बहुत ही इसको यूनिक सा फ्लेवर दे देगी। साथ ही साथ गरम मसाला पाउडर हम ऐड कर देंगे। जो भी आपका रेगुलर गरम मसाला पाउडर होता है वो आप इसमें डालना है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में डालिएगा। मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून के करीब, और साथ ही साथ मैंने इसमें शामिल कर दिया है वाटर। वाटर भी इतना शामिल करना है जितना रिक्वायर्ड हो। अगर आप ज़्यादा टमाटर ले रहे हैं तो आपने वाटर को इतना शामिल करना है कि सॉस बहुत रनी भी ना हो जाए और बहुत गाढ़ी भी ना हो। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है चिकन के मैंने यहाँ ले लिए हैं फिले। 2 चिकन फिले ले लिए थे। मैं बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे बोन वाली चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बॉईल कर सकते हैं सेम प्रोसीजर के साथ, और फिर उसको आप बोन से अलग कर सकते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर देंगे, हस्ब ज़रूरत नमक शामिल कर देंगे। याद रहे कि हमने सॉस में भी नमक इस्तेमाल किया है, तो नमक पे बहुत अपना जो हाथ है वो इसमें हल्का रखेंगे। फिर जनाब नेक्स्ट बढ़ेंगे हम, इसमें भी काली मिर्चों का पाउडर जाएगा और कुछ फ्रेश से धनिया का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा चिकन में इसका। और साथ ही साथ इसमें भी चॉप अनियन जाएगा। मैंने एक अनियन को चॉप कर लिया था और उसमें ऐसे साबुत तरीके से शामिल कर दिया था। बस अच्छी तरह उसको मिक्स कर लेना है और बॉईल पे रख देना है चिकन को। साथ ही साथ इसमें सॉस हमने चेक कर ली थी, तो सॉस जो है वो बहुत अच्छी तरह एक दूसरे के साथ जो है वो चीज़ें यकजा हो गई थी। सॉस की अच्छी सी शेप आ गई थी। ये वाली शक्ल जब आ जाए तो आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। चिकन को चेक कर लिया है, उसके बाद चिकन काफ़ी हद तक बॉयल हो चुकी थी। फिर उसको ढक के हमने 15 मिनट के लिए और पका लेना है ताकि वो अच्छी तरह गल भी जाए। फिर सॉस को जो है वो ठंडा करने के बाद ग्राइंड कर लेना है। सॉस की कुछ ऐसी शक्ल आ जाएगी। चिकन को भी श्रेड कर लेना है ठंडा करके। और उसके बाद ये वाला स्टेप बड़ा मैंडेटरी सा है कि जो हमने प्रिपेयर्ड सॉस की है उसको हम अपनी चिकन में शामिल कर देंगे। चिकन में भी फ्लेवर आ जाएगा और ये सॉस जो है टॉपिंग पे भी आ जाएगी। तो बहुत ही मज़ेदार सा ये एनचिलाडा उसका प्रिपरेशन हमारी तैयार हो गई है। सारी चीज़ें रेडी हैं, सॉस रेडी है, चिकन रेडी है। तो मैंने यहाँ पे ले ली हैं टॉर्टिलास। टॉर्टिलास जो हैं वो कॉर्न के बने हुए होते हैं, तो इसका फ्लेवर इससे बहुत एनहांस होता है। कोशिश कीजिएगा टॉर्टिलास ही यूज़ करें इस रेसिपी में फॉर द ओरिजिनल फ्लेवर। ये रेसिपी ऐसी है कि बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी, और जो चीज़ लवर है उनके लिए तो बेस्ट है। बस असेंबलिंग स्टार्ट करनी है डिश आउट जिसमें आपने करना है, जिसमें आपको बेक करना है, टोटली अप टू यू। उसके नीचे सबसे पहले लेयर हम सॉस की लगा देंगे, फिर उसके बाद अपने प्रिपेयर्ड एनचिलाडास को रख देंगे, फिर उसके बाद हम एक और टॉपिंग देंगे, अपनी लेयर बनाएंगे सॉस की। प्रिपेयर्ड सॉस जितना आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उसमें इसका फ्लेवर बहुत ही एनहांस होगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। ये सॉस की लेयर देने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको कवर कर लेना है अपने एनचिलाडास को, क्योंकि वही जो एक्चुअल हमारी रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है, तो वो एनहांस करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद मैं इस्तेमाल करूँगी यह श्रेडेड मोज़रेला चीज़ का। आप चाहें तो चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ के क्यूब्स, आप चाहें तो स्लाइसेस, कुछ भी जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ईजी हो, आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेस कर लेना है और उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो उसके ऊपर एक और लेयर बना सकते हैं और डबल एनचिलाडास की आप लेयरिंग कर सकते हैं। आपकी टोटली चॉइस है ये। यहाँ पे रेडी टू बेक वाला सीन हो गया है। आपने सारी लेयरिंग कर लेनी है, ऊपर से आप चाहें तो ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। 180 डिग्री पे प्री हीटेड ओवन में इसको मैंने रख दिया था जस्ट फॉर 10 to 20 मिनट्स। सिर्फ हमने इसमें चीज़ मेल्ट करनी है, बाकी सारी चीज़ें रेडी हैं, कुक्ड है और रेडी है। तो बेसिकली एनचिलाडास जो है वो बहुत ही मज़ेदार सी डिश होती है और बेसिकली ये इसका अपना मतलब ये होता है जस्ट ऐड टू चिली। तो स्पेनिश का ये वर्ड है और ये बहुत ही खूबसूरत सी डिश रेडी होती है, बहुत ही मज़ेदार सी होती है। इसको ट्राई करना ज़रूर याद रखिएगा और मुझे फीडबैक तो देना आपने भूलना नहीं है कि आपको ये रेसिपी लगी कैसी है। खाने में भी बहुत मज़ेदार थी ये, बच्चों ने भी खूब एंजॉय की थी, बड़ों ने भी खूब एंजॉय की थी। तो होप यू लाइक माई वीडियो। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।